हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अनदर वीडियो। आज का वीडियो में अमेज़न फ्लेक्स में डिलीवरी जाने वाला है, तो उसी को मैं आज ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाने वाला है। अभी मॉर्निंग 5 o'clock है, तो फिलहाल मेरा स्लॉट बुकिंग है 5:45 to 10:45, 5 hour स्लॉट है। तो अभी मैं रूम से निकल रहा हूँ, तो फिलहाल अभी भी पूरा अंधेरा है, रास्ता अभी देख नहीं सकता है। आप लोग देख सकता है पूरा अंधेरा है। तो चलिए अभी आप लोग को मैं कंप्लीट प्रोसेस कैसा है आप लोग को दिखाने वाला है, कैसा करता है और क्या क्या प्रोसेस है आप लोग को सभी को दिखाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो। तो अभी मैंने अमेज़न ऐप को ओपन कर दिया और स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा रूम से लगभग 5 किलोमीटर रास्ता है। 5 किलोमीटर में 14 मिनट चाहिए मेरे को वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ। अभी तो सुबह 5:10 हो गया, तो फिर अभी भी रास्ता में पूरा क्लियरिटी नहीं, अभी पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो फाइनली अभी मैं मेन रोड पहुंच गया है, और ये रहा, अभी मैं मेन रोड पहुंच गया। ये आउटर रिंग रोड है। ये रोड बहुत से ट्रैफिक रहता है, कभी भी उसको फ्री टाइम मिलता है। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग टाइम है, इसलिए अभी पूरा फ्री है गाड़ी चलाने के लिए, तो कभी भी यहाँ पे कोई इमरजेंसी कोई जा नहीं सकता है। जब ऑफिस का टाइम होगा ना, उसी टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है। तो फ्रेंड, अभी मैं 5 hour स्लॉट में कितना पार्सल मिलेगा आप लोगों को सभी कंप्लीट प्रोसेस देखाएगा, तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरा वीडियो साथ में। नाउ आई एम ऑलमोस्ट रीच स्टेशन, बस ये रास्ता देख भाई, इतना डार्क है, अभी भी क्लियरिटी नहीं है रास्ता। फाइनली पहुंच गया मैं, यहाँ पे है ये स्टेशन। और ये अमेज़न स्टेशन मैं फाइनली पहुंच गया फ्रेंड। अब देखा था तो आप लोग को प्रोसेस क्या क्या, कैसा पिकअप करता है और कितना पार्सल देता है और कितना टाइम तक मैं कंप्लीट कर पाएगा, आप लोग को पूरा वीडियो आप लोग को मैं अपलोड करने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे मैंने बाइक को पार्किंग कर लिया, उसके बाद मैं अमेज़न ऐप से अभी चेक इन करेगा। लोकेशन में पहुँच गया मैं अमेज़न स्टेशन में। अभी मेरे को फ़ोटो वेरिफिकेशन करना है, आईडी वेरिफिकेशन, उसके बाद फ़ोटो मेरा क्लिक कर लिया, चेक इन करना है। अभी चेक इन अभी करने के लिए जाना है स्टेशन में, तो सेकेंड बार कोड अभी स्कैन करना है। तो चलिए अभी स्टेशन तरफ चलते हो। ये रहा स्टेशन अमेज़न, यहाँ से हम लोग जो भी पार्सल है वहाँ से हम लोग पिकअप करने करके लाना है। तो अंदर चलता हो, वहाँ पे सेकेंड लेना है अराइवल सेकेंड। ये पहुँच गया मैंने, और अभी यहाँ पे सेकेंड लेगा मैं। सेकेंड लेने के बाद ही हम लोग को पार्सल दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड करके ले लिया है, उसका बाद ही पार्सल लेने के लिए मिलेगा। तो सेकेंड अभी मेरा कंप्लीट हो गया, तो अभी चलिए अभी पार्सल को मैं पिकअप कर लेता हूँ। ये रहा मेरा पार्सल, तो ये पार्सल को सभी मैंने पिक करके लेना है। इतना सारा मैं लेके आवे, अभी उसको सभी हमें पिकअप करके लेना है। तो अभी चलिए इसको अभी मैं फटाफट पिक करके लेता हूँ। इसी तरह का हम लोग पिक करके लेना है।
पिक करने के बाद कंप्लीट होने के बाद स्वीप टू फिनिश हम लोग करना है। पहले जितना भी पार्सल है एक ही बार हमको हम स्कैन करके लेना है बार कोड को। स्कैन करने के बाद जितना भी आपका पार्सल होगा उसको क्लियर पिक करने के बाद स्वीप टू फिनिश हम लोग करना है। तो चलिए अभी इसको मैं पहले पिक करके लेता हूँ और जितना भी है मेरा पार्सल पिक करके बाद में स्वीप फिनिश करना है। तो चलिए अभी मेरा जितना भी पार्सल था ऑलमोस्ट अभी फिनिश पिकअप कर लिया। अभी स्वीप तो फिनिश कर लिया मैंने। स्वीप तो फिनिश करने के बाद आपको कितना पार्सल पिक किया उसको अभी शो देखा रहेगा कितना पार्सल किया टोटल। तो अभी स्वीप फिनिश में कर लिया उसके बाद देखता हूँ देख सकता हूँ ये है मेरा सभी ये लोकेशन है तो ये रहा सभी मेरा पिकअप जितना भी पिकअप किया था अभी ये सभी मेरा पिकअप है सभी पिकअप किया है टोटल 26 पैकेज है। अभी उसको सभी को मैं डिलीवरी करने के लिए लेके जाना है लोकेशन तक। तो मैंने अभी इसको बैग में डालना है। चलो फटाफट अभी इसको मैं बैग में डाल के लेके जाता हूँ। तो अभी मैंने बैग में डाल के ले लिया और लोकेशन में देख रहा हूँ कौन सा लोकेशन में मैं स्टार्ट करना है उसी लोकेशन स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो चलिए ये लोकेशन मैंने स्विच कर लिया वो फास्ट डिलीवरी करना मुझे। तो ये है फास्ट डिलीवरी लोकेशन मैप मैंने ओपन कर दिया और 9.4 किलोमीटर है और कस्टमर एड्रेस तक मुझे 17 मिनट तक चाहिए वो रास्ता 9 किलोमीटर है। तो चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड अभी मैं स्टेशन से मूव हो गया लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। अभी का टाइम 6:05 हो गया। अभी देखो मैं बोला ना 6 o'clock का अराउंड अभी पूरा क्लियरिटी होगा रास्ता पूरा क्लियरिटी हो गया। तो अभी मैंने स्टार्ट कर लिया और रास्ता तो पूरा फ्री है अभी बिंदास से सलाह के जा सकता है कोई टेंशन नहीं कोई ट्रैफिक नहीं है मॉर्निंग टाइम पे। जब अभी 9 बजे का बाद है ना ये ट्रैफिक आपको पूरा रास्ता ट्रैफिक मिलेगा हर जगह के ट्रैफिक मिलेगा। अभी मॉर्निंग 6:20 है तो इसके वजह से अभी ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं होता है रास्ता पूरा फ्री है तो आराम से जा सकता है आपका जितना भी आप स्पीड जाना चाहता है तो जा सकता है कुछ टेंशन नहीं है फ्री है रास्ता। फिर भी देखो इतना गाड़ी आता है मॉर्निंग टाइम होने से भी। तो गाइस कभी भी हम लोग रास्ता क्रॉस करने के टाइम में देख के कभी भी क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सर्कल है तो पूरा देख के हम लोग क्रॉस करना पड़ता है। तो फ्रेंड अभी पूरा फ्री है अभी रोड। ओह माय गॉड कितना अच्छा है फ्रेन मज़ा यार अभी का फिलहाल फुल फ्री है रास्ता। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं लास्ट तक देखा देता हूँ कितना तक कंप्लीट करता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें अगर कुछ कस्टमर रिसीव नहीं करता है कॉल एड्रेस मिसमैच एड्रेस तो कुछ प्रॉब्लम के वजह से कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर पाए तो पार्सल को हम लोग स्टेशन में रिटर्न जाके देना पड़ता है। तो देखता हूँ मेरा 26 पार्सल है वो 26 पार्सल को मैं कितना कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर कंप्लीट पूरा भी कर दिया तो स्टेशन में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है
और अगर कैश देगा तो कस्टमर तो कैश देने के लिए स्टेशन में जाना पड़ता है, अदरवाइज आपको स्टेशन में रिटर्न जाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अभी मिलने वाला मैं फर्स्ट डिलीवरी पार्सल को, तो यहाँ से मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अभी फास्ट डिलीवरी फास्ट कस्टमर लोकेशन में अभी मैं पहुंच गया है, अभी उसको मैं डिलीवरी करता हूँ। पहले तो कस्टमर को हम लोग कॉल कर लेना है, उसका बाद हम लोग कर सकता है कस्टमर को मिलने का बाद। अभी मैं कस्टमर का पार्सल निकाल लिया और स्कैन कर लिया, उसका बाद उनको दे दिया। देने के बाद स्वीप टू फिनिश करना है, उसका बाद नेक्स्ट जो डिलीवर है उसको चूज करना है कौन सा लोकेशन को जाएगा चूज करने का बाद। तो मैंने अभी नेक्स्ट और आ गया नेक्स्ट डिलीवरी, उनको मैं कांटेक्ट करके बता दिया और मिल गया कस्टमर को, डिलीवरी दे दिया और स्विफ्ट फिनिश कर लिया। और अभी नेक्स्ट जाना है, अभी नेक्स्ट में स्टार्ट कर लिया और इसका लोकेशन में मैं पहुँच गया। अभी ये कैश कलेक्ट करना है, उसको आप लोगों को मैं दिखा दीजिए, आप लोग देखिए कैश कैसा कलेक्ट करना है। तो कस्टमर लोकेशन मिल गया मैंने, तो स्कैन कर लेना है पहले। स्कैन करने का बाद अभी उनको कस्टमर का सेलेक्ट करना है, अभी कैसा इसमें पेमेंट प्रोसेसिंग में हो रहा है, कस्टमर का डिपेंड है। अगर कैश देगा तो कैश में सेलेक्ट करना है, अगर वो ऑनलाइन करेगा तो पेलिंग यूपीआई कार्ड ये सेलेक्ट कर सकता है। अभी कस्टमर यूपीआई देगा, यूपीआई थ्रू पेमेंट करेगा, अगर यूपीआई थ्रू पेमेंट करने से डायरेक्ट अमेजोन में लिंक में चला जाता है। तो अभी कस्टमर ने ये पे कर लिया, कंप्लीट हो गया। अगर कस्टमर कैश देने से आपको कैश लेके स्टेशन में रिटर्न देना पड़ता है, तो अभी फ़िलहाल अभी मेरा ऑनलाइन में पेमेंट हो गया तो डायरेक्ट ये अमेजोन में जाता है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करके फिनिश कर लेता हूँ। तो फ्रेंड फाइनली मैं अभी जो 5 आवर स्लॉट था उसको मैं कंप्लीट करके आ गया रूम पे। एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये कि एक सनवॉइस मशीन था तो कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों बोले तो जो बॉक्स था, बॉक्स थोड़ा डैमेज था, तो थोड़ा फटा हुआ था, तो इसलिए कस्टमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कवर नहीं है, अमेजोन का कवर किधर है, ये सब वगैरह वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछता रहा था, तो कैंसिल कीजिए उसको, मेरे को नहीं सही बोला, इसलिए मैं रिजेक्ट करके आ गया। अभी मैं स्टेशन में जाना, अभी शाम को मैं जा रहा है 5 o'clock, फिर तो उसी टाइम में स्टेशन को रिटर्न देगा। अभी फ़िलहाल मैं रूम पर आ गया, तो मिलते हो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो को। आज का वीडियो में इतना है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।